आप मेरी वजह से अपनी उलझनें क्यों बढ़ा रहे हैं माजिद भाई? जो हो रहा है होने दें। अगर एक निकाह करने से सारे मसले हल हो जाएंगे तो हो जाने देने का। तो तुम्हारा ख्याल है कि निकाह करने से तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे? रूना की मोहब्बत से पीछा छुड़ा लोगे? नहीं, ना कुछ बोलना और ना ही कुछ करना। ये जो तुम्हारी आंखों में तैरता पानी है ना, ये काफी है तुम्हारे इरादों को धोने के लिए। और जैन, अगर तुम्हें ये खुशफहमी लाहक है कि ये निकाह तुम्हें रूना की मोहब्बत से फरार की गली दिखाएगा, तो बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। इतनी भूल भुलैया मिलेगी कि सारी जिंदगी रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। और यार, जिसे तुम सारे मसलों का हल समझ के ला रहे हो ना, तुम उसके लिए खुद एक मसला बन जाओगे। तो क्या करूं मैं माजिद भाई? आप ही बताएं मैं क्या करूं। मान लो यार, इकरार कर लो अपनी मोहब्बत का जो तुम्हें रूना से हो गई है। इस एक बात को मान लेने से सारे मसले हल हो जाएंगे तुम्हारे। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम्हें इन दो चार औरतों से लड़ना पड़ेगा ना, तो लड़ लेना यार। अरे लोग तो 1-2 हजार के मोबाइल के लिए लड़ पड़ते हैं यार, जान दे देते हैं, मजामत करते हैं, तो अपनी मोहब्बत के लिए नहीं लड़ रहे? किस मोहब्बत के लिए लड़ूं मैं माजिद भाई? वो मोहब्बत जो रूना को खो देने के बाद उससे हुई, या वो मोहब्बत जो हो जाने के बाद खो दी? वाह, मोहब्बत की आंधी का एक थपेड़ा लगा और तुमने पाने से खोने तक का सारा सफर तय कर लिया। अभी तो मुसाफतें शुरू हुई हैं यार, ये बीच रास्ते में खैमा लगाने की कोशिश मत करो। मोहब्बत के मुसाफिर इस तरह इतनी जल्दी पड़ाव नहीं डालते। कैसा पड़ाव माजिद भाई? मेरे तो पैर ही जमीन पर नहीं लग रहे। खैमों के लिए घोंटे का गाड़ूंगा मैं। अच्छा, इसलिए तुम अपनी मोहब्बत को सलीब पर चढ़ाने जा रहे हो और उस लड़की से निकाह करके उसे सती करने जा रहे हो? अरे यार, मोहब्बत का तो एक मजहब रखो। मैं अगर कोई मुनसिफ होता ना, तो मैं मोहब्बत के निसाब से बाहर निकाल देता। जैन, मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत किसी बेवजू नमाजी की नमाज जैसी लग रही है, जिसे वो पढ़े जा रहा है, ना उसे निसाब का पता और ना ही निजाम का। और जैन, तुम्हें इस नमाज का सवाब तो क्या गुनाह भी नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत का अलम यही है, ना तुम्हें गुनाह का पता है और ना तुम्हें सवाब का अंदाजा। चलो, गुनाह सवाब की लज्जत ना सही, सजा का मुर्तकिब तो हूं। नहीं, कोई सजा नहीं मिलेगी। सजा उस लड़की को मिलेगी जिससे निकाह करके लेकर आओगे तुम। सजा रूना को मिलेगी जो कहीं बैठी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। रूना? पर वो तो चली गई थी माजिद भाई। उसने आपको फोन किया? कुछ कहा उसने? मेरा पूछा? नहीं, अंजू मिली थी रेस्टोरेंट के बाहर, उसने बताया रूना के बारे में। कहाँ है माजिद भाई, रूना कहाँ है?